आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज बयान टीवी। हमारे साथ में रजनी बिसारिया जी हैं, ये भी जादूगर हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन ही मनुस्मृति जलाई गई थी, तो आप महिला होने के नाते आज आप क्या कहेंगी? मैं भी मनुस्मृति को जलाऊंगी, और सबसे बड़ी चीज़ है जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो अकेला शिक्षित होता है, पर अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, जब परिवार शिक्षित होता है तो एक समाज में एक इकाई एक शिक्षित होती है, और समाज में वैचारिक प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है। खासकर जब हमारे समाज की जब महिलाएं शिक्षित होकर आगे आएंगी तो समाज में एक अलग प्रभाव नज़र आएगा, और समाज में वैचारिक क्रांति बहुत तेजी से बहेगी। आपका शुभ नाम? माधुरी बौद्ध। माधुरी जी, आप मनुस्मृति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सटा दीजिए। मनुस्मृति एक अंधविश्वास से भरा हुआ ग्रंथ है, जिसमें नारी को सम्मान नहीं था, किसी नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नारी क्या, पूरे भारतवर्ष में जितनी स्त्रियां हैं, किसी भी समाज की हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, हाई कास्ट हो, एससी एसटी, कोई भी स्त्री हो, सारी की सारी नारियों को किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहली बात, ना शिक्षा का अधिकार था, ना वस्त्र पहनने का अधिकार था, ना घर से बाहर निकलने का अधिकार था, ना खाना खाने को मिलता था, ना पानी पीने को मिलता था। हमारे बीच बाबा साहब आए, धन्य धन्य उन बाबा साहब को जिसने हमारी सुध ली है हमारे बारे में सब कुछ। इसलिए वहाँ सारे देवी देवता इतने जो काल्पनिक है, सारा अंधविश्वास से भरा हुआ ये ग्रंथ है। इसमें मानव को मानव नहीं समझा जाता था, मानव को पशुओं के समान समझा जाता था। हमारे आदमियों को जानवर से भी बदतर जीवन मिला। जानवरों को पीने का अधिकार था, तालाब में पानी, लेकिन हमारे आदमियों को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था, जबकि उसमें कुत्ते बिल्ली सभी जानवर पानी पीते थे। हमें उन्होंने ये अधिकार दिलाया कि हम आज यहाँ खड़े हैं, और हमें इतने अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार जो दिया है मेरे बाबा साहब ने दिया है। नाम विजय रानी बौद्ध है, और मैं रौनी सेक्टर 16 से आई हुई हूँ, और बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति जलाई थी, और उस उन्होंने नारी को सम्मान मान सम्मान सब कुछ दिया। महोत्सव के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, यहाँ पर आने के लिए हमने बहुत तैयारी किया, और ये हमारा पंचशील करो 60 मीटर है जो हमने इसके लिए स्पेशली बनवाया है। यहाँ साहब ने यही तो कहा, जब तक महिला आगे नहीं होंगी तो कैसे समाज चलेगा आगे। तभी आपने पंचशील का टोपी पहनी हुई है। बिल्कुल, ये तो हमारा मार्गदर्शन और हमारी पहचान है, हमारे बौद्ध धर्म की। बाबा साहब की वैसे तो ज्यादा काम किया, हमारा ज्यादा भक्त पिता महाराष्ट्र के पास से गोंदिया से हमारे बीच में 15 स्टूडेंट की टीम आई है, जो नाटक के मंचन के माध्यम से एक संदेश आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो नागपुर की टीम का बहुत महोत्सव आयोजन समिति स्वागत करती है, और आयोजन समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि नागपुर की टीम को उचित स्थान ग्रहण कराए। वैसे ही इस पंडाल में भरपूर मात्रा में उपासकों की संख्या होगी। अभी भारतीय बौद्ध महासभा